बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे प्यारे क्यों हैं, क्योंकि हर बच्चे में ये विशेषता है कि वो उसने बाबा को पहचान लिया। अब हम अपने को पूछें कि हमने बाबा को पहचान लिया, क्योंकि बाबा को जान लिया, लेकिन अगर पूरा पहचान लें तो उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी दिल से ये गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। तो क्या हमारे अंदर अगर चेक करें तो अभी सारी भौतिक इच्छाएं है ना, या दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए कि आस खत्म हो गई है? ये अपने आप को चेक करना है, क्योंकि जब हम ऐसे सचमुच स्वरूप बने कि ये जो विशेषता है कि हमने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर हमें जो भी कुछ मिलता वो बाबा से ही मिलता। और हमें यही होना रहता कि मुझे बाबा की मुरली, बाबा का साथ, बाबा से, बाबा की याद, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, बाबा की सेवा। और जब, और वो जो बाबा कहते हैं ना, परमार्थ में व्यवहार भी हो जाता है। अगर ये लगन रखें तो फिर ऐसा नहीं है कि जो व्यवहार है, कारोबार है, वो नहीं संभलेगा, वो बहुत अच्छा संभलेगा। लेकिन बाबा कहते क्या ये अवस्था बनी है कि हम पहले बाबा के प्यारे और फिर उस आधार से संसार में न्यारे प्यारे हो गए, है ना? संसार में ऐसे हो गए कि पहले न्यारे हैं फिर प्यारे हैं। बाबा के साथ पहले इतना प्यारे कि सबके साथ न्यारे प्यारे हो गए, माना सबके बीच रहते भी हमारी अवस्था कैसे हो जाए, कमल पुष्प समान। क्योंकि देखो, सिंपल से बात है कि पुरानी दुनिया में जो आत्माएं हैं उनके अंदर न्यारे की जगह क्या है? किनारा, है ना? न्यारे की जगह किनारा और प्यारे की जगह मोह, है ना? यही दो अंतर है। और हमारा क्या है, हम न्यारे हैं, हम किनारा नहीं करते। हमें ये नहीं होता इस आत्मा को हमारे सामने से ले जाओ, हम इसे देख नहीं सकते, ये परिस्थिति के बीच हम रह नहीं सकते, हमें प्रॉब्लम होती है। नहीं, हम सब चीज़ों के बीच रहते भी न्यारे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ है नहीं है। अगर है भी तो भी हमें तकलीफ़ नहीं है, और नहीं है तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये जो न्यारी अवस्था है इसका आधार क्या है? बाबा से इतना प्यार है कि अंदर दिल भरपूर हो गई है। तो जब कोई चीज़ भरपूर होती तो फिर उसमें और कोई चीज़ से अटैच होने की जगह नहीं बचती। तो इसलिए उस आधार से हम न्यारे हैं। और फिर क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं तो हमारा स्वरूप सदा प्यारा है। तो पहले तो ये मुख्य धारणा हम अपने अंदर चेक करें कि हम बच्चे न्यारे और प्यारे कितने हैं, है ना? और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों के दिल से ये गीत निकलता है, हमने देखा हमने पाया, है ना? सदा ये रहता है कि अब और कुछ पाने को नहीं है, जो देखना था जो पाना था। देखो, दुनिया में मनुष्य कहता है परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया फिर और क्या चाहिए, है ना? तो हमें तो प्रैक्टिकल में बाबा मिला, लेकिन बाबा को हमने ठीक से जाना पहचाना, बाबा से सब कुछ प्राप्त किया, अनुभव किया। क्योंकि बाबा से अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी हमें बाबा की याद में रहना पड़ेगा। अगर हम बाबा की याद में नहीं रहते तो बाबा हमें वो
सर्व संबंधों का सुख या सर्व प्राप्तियों की भरपूरता का अनुभव कैसे कराएंगे? तो हमें देखना है कि सचमुच बाबा, क्योंकि एक एक को आज पूछते हैं, माताओं को पूछते हैं, पांडवों को पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल से गीत निकलता है कि हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान, है ना? ऐसा आता है कि किसी ने जो नहीं देखा, किसी की ऐसी प्राप्ति नहीं जैसी मेरी है। तो ये नशा, ये खुशी जब होती ना, तो तब हम ब्राह्मण कहलाते, क्योंकि ब्राह्मण माना अतींद्रिय सुख का अनुभव हो। अगर अंदर अभी भी इच्छाएं, तृष्णाएं भटकाती हैं, अभी भी है ना दुख उदासी की लहर आती है, ये चाहिए वो चाहिए में उदास होते हैं, तो माना हमने बाबा को पाते हुए भी पाया नहीं, है ना, पहचानते हुए भी पहचाना नहीं, तो हम ब्राह्मण कैसे हुए फिर? है ना, तो पहले हमें ये चेक करना है। फिर बाबा हमें कहते, जब हम फिर बाबा हमें कहते कि मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें बाप समान बनना है, है ना, 6 मास में तैयार होना है। बाबा कहते क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि तुम देख रहे हो संसार और समय को, दोनों को, है ना, समय भी तुम्हें पुकार रहा है। आप देखो समय भी कितना हिचकियाँ ले रहा है ना, समय भी ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए रुका हुआ है। वरना हर बात, कभी कभी विचार चलता है कि विनाश होना आज 1 सेकंड की बात है, जो समय आ गया है उस समय के हिसाब से विनाश 1 सेकंड की दूरी पर है। विनाश तो क्या कहें, परिवर्तन कहें, वो सेकंड की दूरी पर है, लेकिन वो समय भी किसका इंतज़ार कर रहा है? हम बच्चों का, है ना, क्योंकि बाबा कहते कि समय तो ख़त्म नहीं होगा ना, फिर सत्युग आना है, तो सत्युग की मूर्तियाँ तैयार ही नहीं होंगी तो समय का पर्दा कैसे गिरेगा? तो इसलिए बाबा कहते समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और सर्व आत्माएं, आज आप देखो मनुष्य कहता है मुझे दुख से छूटना है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो वो जो मुक्ति भी दिलाने वाले कौन है, है ना? हर आत्मा को बाबा हमें कहते हैं जब तुम जीवन मुक्ति में जाएंगे तो सर्व आत्माएं दुख धाम से छूट कर शांति धाम में जाएंगे, है ना? जब हम सुख धाम के लिए रेडी हो जाएंगे तो गेट खुलेंगे और सर्व आत्माएं, विश्व की जितनी आत्माएं, आप सोचो ये जो इस विश्व रंग, आप युद्ध की बात सोचो, जहाँ युद्ध चल रहे हैं, जहाँ प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, है ना, अन्य प्रकार की आपदाएं हो रही हैं, वहाँ आत्माएं कितनी त्राही त्राही कर रही हैं। और वो जो त्राही त्राही कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, हमें छूटना है अब यहाँ से, है ना, तो अब उनको छुड़ाएगा कौन? उस दुख से छूटकर, कलयुग से छूटकर घर कैसे जाएंगे वो? तो बाबा कहते सब तुम्हारे इंतज़ार में रुके हुए हैं। तुम संपन्न बनेंगे, तुम संपूर्ण बनेंगे, तो ये सारी आत्माएं दुख से छूटकर घर जाएंगी, हाँ, शांति धाम ठिकाना पाएंगे, क्योंकि उनको तो सुख धाम का पता नहीं, उनको तो एक ही आस है कि हम दुख से छूटें, हम परमात्मा के पास जाएं। तो बाबा कहते वो अंजलि भी कौन देंगे, हम बच्चे ही देंगे। लेकिन बाबा कहते क्या तुम्हें इतना ये लक्ष्य बुद्धि में रहता है कि मुझे अब समय की पुकार, आत्माओं की पुकार सुनकर उपकार करना है? और उपकार करने का सिर्फ इंटेंशन नहीं, बाबा कहते हैं फिर उसके लिए क्या करना पड़े, बाप समान बनना पड़े, क्योंकि हम जीवन मुक्ति में कैसे जाएंगे, देवता कैसे बनेंगे जब अभी बाप समान बनेंगे? तो बाबा हमें पूछते हैं कि बाप समान बनना मुश्किल है क्या?
बाबा कहते हैं बाप समान दुनिया में तो मनुष्य पूछता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। आप देखना सबसे बड़ा ज्ञानी होगा ना तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या पूछेगा कि बनना क्या है, करना क्या है, क्यों आए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो वो प्रश्न ही नहीं है, तुम्हें तो पता है ना व्हाट इज़ योर पर्पस, क्या पर्पस है हमारा। हाँ, बाप समान बनना है। विश्व कल्याण भी उसी से होगा, विश्व कल्याण करने से नहीं होता, पहले तो अपनी अवस्था चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो ये पता है क्या करना है, क्या करना है वो प्रश्न दुनिया में कितना विचलित करता है मनुष्य को। हमें तो वो लक्ष्य है कि मुझे क्या करना है, मुझे बाप समान बनना है। और फिर बाबा हमें कहते कैसे बनना है, तो कैसे बनना है तो फुट स्टेप को फॉलो करो। बाबा कहते मदर फादर को फॉलो करो, है ना, शिव बाबा फादर और ब्रह्मा बाबा मदर। तो अभी हमें निराकार बाप और साकार ब्रह्मा माँ को, दोनों को फॉलो करना है। अब बाबा हमें कहते हैं फॉलो तो अंधा भी कर लेता है, तुम तो त्रिनेत्री हो त्रिकालदर्शी हो, तो तुम फॉलो नहीं कर सकते क्या, है ना। लेकिन पहले हम पूछें कि हम न्यारे हुए हैं, क्योंकि देखो जो मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगती है जो बाबा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति सारी रात चप्पू चलाता रहा, है ना, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं हिला भी नहीं अपने जगह से। क्यों? क्योंकि उसका लंगर ही नहीं उठा है, है ना, नौका का लंगर नहीं उठाया और चप्पू चलाने से कहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए पहले हम अपने से पूछें कि हम इस संसार से न्यारे बाप के प्यारे बने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है हम सब कुछ बाप के लिए कर रहे हैं, पर इतनी अटैचमेंट है वस्तु व्यक्ति वैभव और भौतिक प्राप्तियों से कि सब कुछ स्वार्थवश कर रहे हैं ना, सब कुछ स्वार्थवश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक माता 25-26 वर्ष से ज्ञान में होगी, तो अभी पीछे दिख नहीं रही थी ना, दूसरे सेंटर की बात बता रही हूँ। तो फिर मैंने किसी को पूछा, वो माता नहीं दिखती आजकल, तो ले कम आती है। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ, तो कहते कि वो 25 वर्ष से, देखो आप 25 वर्ष कोई ज्ञान में रहता है तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कुछ देखा नहीं है सब कुछ देखा है, लौकिक अलौकिक सब कुछ देख कर ही ज्ञान में चलते हैं, है ना, तो सब कुछ देखा है। लेकिन 25 वर्ष बाद जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बेटे को, है ना, शरीर में कुछ तकलीफ आ गई परमानेंट, तो फिर माता की रुचि ज्ञान में घट गई, है ना। तो फिर किसी को एक दिन बात करते हुए वो जो मुझे बता रहे थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने कहा इतना हमने बाबा को जो बाबा ने कहा वो किया, तो भी बाबा ने एक बच्चे को नहीं बचाया। तो फिर वो जो भाई थे उन्होंने कहा आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाबा ने तो कहा था कि आप बने और स्वर्ग में जाए इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस आधार से किया था तो हाँ भाई आपका नाराज़ होना बनता है। तो हमें तो पता ही नहीं था कि आप 25 वर्ष से बेटे के लिए चल रहे थे, है ना। तो बात क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो जो कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, श्रीमद पर कर रहे हैं, पर वो पता कब चलता है, जब वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ वो सफलता नहीं मिलती जो आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि बाबा के बने हैं तो इतना तो मिलेगा ही, है ना। और भक्ति इतनी सूक्ष्म होती है
कि अंदर ये बैठा ही रहता है। हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा, अगर मैं बाबा का हूँ, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी का हूँ, तो ये कैसे है ना, ऊपर नीचे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है कि ये दुनिया तो विनाशी है, इसका सब कुछ विनाश होना है, और विनाश ऐसे एक सेकंड में थोड़ी होगा। तो ये तो जिसको हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स, हर चीज़ धीरे 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 क्षय हो रही है, वो बेटर नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। तो अब हम ऐसे संसार में अगर अभी भी न्यारे प्यारे नहीं बने हैं और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर अगर डीपली देखें तो अगर पुरुषार्थ के पीछे स्वार्थ है, तो हम बाप समान कहाँ बनेंगे? बाप समान बनने के लिए आपको पता है, जब ब्रह्मा बाबा की पहली क्वालिटी गिनी जाती है तो क्या गिनी जाती? सर्वांश त्यागी। ब्रह्मा बाबा की पहली क्वालिटी है सर्वांश त्यागी, है ना? जब बाबा की विशेषताएं गिनी जाती हैं तो पहली क्वालिटी है सर्वांश त्यागी। तो जिसने जिसने इस देह और देह की दुनिया के आकर्षणों का, संबंधों का, धर्मों का त्याग नहीं किया, वो बाप समान बनना तो बहुत दूर की बात है, है ना? फिर तो ऐसा ही है जैसा भक्ति में चलते हैं, अंदर स्वार्थ है, ऊपर है ना राम राम है, है ना? ऊपर से तो बाबा बाबा, लेकिन अंदर ये है मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ऐसा चले, मेरा है, मुझे ये मिल जाए। तो फिर जब वो नहीं मिलेगा तो बाप समान क्या, हम तो बिल्कुल ही बाप के बनेंगे ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए अभी समय का जो ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं कि इस समय में वो जो भक्ति की आस है वो पूरी नहीं होगी। इस समय में हमें लक्ष्य क्या रखना है कि मुझे बाप समान बनना है, है ना? बाप समान में बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, लेकिन ना जो मूल शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा स्नेह स्वरूप, सदा शुभ भावना, शुभकामना संपन्न। आज बाबा हमें कितनी अच्छी शुभ भावना के विषय में ही बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमारी शुभ भावना खत्म ना हो। क्योंकि हम बच्चों की क्वालिटी क्या है? सर्वांश त्यागी, आज्ञाकारी, विश्व कल्याणकारी, है ना? बाबा कैसा है? बाबा का तो संस्कार विश्व कल्याण का है, और विश्व कल्याण करने के लिए, सदा रहम दिल बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो फीलिंग में आना, या कोई बात आई तो शुभ भावना ख़त्म हो जाए, ऐसे वाले संस्कारों से तो ऊपर उठना पड़ेगा ना। विश्व कल्याण कैसे करेंगे? जब छोटी छोटी बातों में हमारे मन की भावनाएं बदलने लगे, तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत बढ़िया। आज बाबा कहते हैं ना क्रोध पर क्लास कराना, तो मुझे याद है एक बार एक कुमार आता था। देखो कुमार, वैसे तो कहने में कुमार माना सौ ब्राह्मण के लाए जितना है ना, सौ ब्राह्मण के मुकाबले में, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसने एक बार मुझे क्या कहा। मुझे कहता कि मेरे चाचा हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। कोर्स वोर्स हो गया उसका, महीने दो महीने ज्ञान में चलने के बाद मुझे कहता कि मेरे चाचा हैं, वो उन्होंने बहुत गलत किया है हमारे साथ, तो मुझे ऐसा है कि मैं उनको दिखाऊं कि आज मैं उनसे बेटर हूँ, या मेरी प्राप्ति उनसे ज़्यादा है, या जो भी उनकी जैसी भावना थी। तो मैंने उनको कहा कि क्लास तो आप आते नहीं हो, क्या दिखाओगे किसी को? तो कहते हैं नहीं नहीं इसके लिए जो भी करना होगा ना मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा अमृत वेला करोगे 6 महीने कंटिन्यूस? बोलते हैं हाँ इसके लिए कर लूँगा, है ना? तो आप सोचो कि
कि मनुष्य के अंदर कितना क्रोध है। मैंने कहा आप अपने उन्नति के लिए क्लास नहीं आते, मैं देवता बनूं इसके लिए नहीं आते, अमृत वेला आप अपने लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरे को सिद्ध करने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप ये भी करने को तैयार हैं। कमाल है। मैंने कहा कमाल है माया की, है ना, जो बाबा नहीं करा पाता वो माया कराती है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो आत्मा के अंदर अगर इतना ज्ञान स्वरूप नहीं या विश्व कल्याण की अवस्था नहीं, अभी भी छोटी छोटी बातों में हम फीलिंग में आते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, बदले की भावना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में हम कैसे बाप समान बनेंगे। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं पहले तो तुम्हें बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है, और उसके लिए तुम बाबा के चित्र तो रखते हो लेकिन चित्र को देखते चरित्र को भी तो याद करो, है ना। भक्ति में क्या किया, चित्र देखा, नमस्ते किया, काम खत्म, है ना। यहाँ भी यही करते हैं। तो बाबा कहते सिर्फ चित्र नहीं देखना है, चरित्र को कॉपी करना है। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं, मैंने एक बार एक किसी को पूछा आप याद में क्या करते हैं, तो कहते हैं मैं बिंदु बन बिंदु को देखता रहता हूँ। मैंने कहा कि बिंदु को देखने के लिए परम धाम क्यों जाते हो, बल्ब जल रहा है उसको देख लिया करो, है ना, बिंदु थोड़ी है। बाबा कोई बल्ब लाइट लेज़र लाइट थोड़ी है जो ऐसे बिंदु बन बिंदु को देखते रहते हैं, बिंदु में जो सिंधु है उसको भी तो देखो। बिंदु में खाली बिंदु को देखेंगे सिंधु को देखेंगे नहीं तो अपने अंदर क्या समाएगा। फिर आप देखना याद करते करते ऐसे देखने में तो बैठे हैं याद में, लेकिन चेहरा कैसा हो जाता है, सारी खुशी नशा गायब हो गया है, ऐसे जैसे बिंदु जैसे नीरस होता है ना ऐसे बन गए, हाँ 12 बज गए चेहरे के। तो योगी का चेहरा कैसा होना चाहिए, बहुत रमणीक होना चाहिए, सुख स्वरूप होना चाहिए। तो वो तो तब होगा ना जब बिंदु में जो सिंधु छिपा है उससे योग लगाएंगे, खाली बिंदु बन बिंदु को देखते रहेंगे तो थोड़ी वो योग हुआ। या बाबा के चित्र को देख रहे हैं लेकिन बाबा ने क्या किया, बाबा के चरित्र कैसे थे उसको अनुभव ही नहीं कर रहे। अब बाबा के चरित्र को अनुभव करने के लिए चित्र से पहले तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़े ना, बाबा कैसे रहे, किस प्रकार से संबंध संपर्क में आते थे, बाबा के बोल कैसे थे, बाबा छोटों के साथ कैसे रहते थे, बड़ों के साथ कैसे रहते थे, बाबा परिस्थितियों में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते थे, है ना, बाबा की ब्रह्म शिव बाबा के प्रति कैसी लगन थी, कैसे एक रस बाबा याद का पुरुषार्थ करते थे, उसको अगर हम समझते नहीं तो फिर उसको कॉपी कैसे करेंगे। मुझे याद है मैंने जब पहले पहले ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत जैसे कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक पढ़ा सुना तो मेरे अंदर ये संकल्प आता था कि ब्रह्मा बाबा कभी देते हुए थकते नहीं थे क्या। आप सोचो एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे सारे दिन सुबह से रात तक आत्माओं को जैसे प्यार से हर बात से सींचते रहना। और बाबा को ये भी पता चलता था कि कोई भी एक बच्चा उसकी भावना को ठेस पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो इतना स्नेह स्वरूप है ना, मैं तो कभी कभी उसको पढ़ते पढ़ते थक जाती थी कि ये आत्मा थकती कैसे नहीं है, क्योंकि हमारा तो क्या है कि हम जो भी कुछ करते हैं तो देहाभिमान है ना, तो थोड़ा करने के बाद कहेंगे ये किया ये किया ये किया इतना कर लिया, अभी क्या सारे दिन यही करते रहेंगे, है ना, छोड़ो अभी
ना, अभी हम योग करेंगे है ना, तो अभी योग करेंगे मतलब क्या, वो सब क्या वियोगी में कर रहे थे, वो सब क्या योग को साइड में रख के कर रहे थे क्या? तो इसीलिए ये जो है ना हमारी अवस्था कैसी, वो इलास्टिक बैंड जैसे खींच तो लेते हैं लेकिन वापस, क्योंकि धारणा मूरत नहीं है। धारणा मूरत बने ब्रह्मा बाबा कैसे, धारणा मूरत बाबा के अंदर वो संस्कार बाबा ने बनाया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो संस्कार अपने आप बन गया, बाबा ने भी तो पुरुषार्थ किया ना। मुझे याद है मैं किसी का एक अनुभव पढ़ रही थी एक बार, कि कोई एक भाई था, तो कोई पार्टी आई, तो उस पार्टी को कुछ बाबा से प्राइवेट बात करनी थी, तो उस समय वो भाई बाबा के पास बैठा था, तो बाबा ने कहा कि आप अभी बाहर वेट कर लो, इनसे मैं मिलूँगा। तो फिर वो भाई जो बाहर बैठा रहा, तो उसने देखा बाबा इनसे मिले, है ना, गले लगाया, टोली दी, फला फला, तो उसके अंदर आया, मुझे बाहर बिठा दिया और फिर इनसे मिले। तो बाबा ने फिर जैसे ही वो गए, तो बाबा ने भाई को बुलाया और फिर भाई को कहते हैं कि अब बाप और बच्चे अकेले में खूब टोली खाएंगे, सबके सामने नहीं खा सकते थे ना, तो उसको प्यार से खुद भी टोली खाया, उनको भी खिलाया, तो उनको जैसे ऐसे अनुभव कराया कि मेरा और तुम्हारा अलग प्राइवेट टाइम है, इसलिए उसमें तुम्हें नहीं बिठाया। क्योंकि देखो बाबा को बच्चे की, हर एक बच्चे की भावना के प्रति होना होता था, लेकिन इतना परख पाना उसके लिए तो कितनी आपकी स्नेह भरी दिल चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना, माँ बच्चे की हर बात को परख लेती है, तो कैसे परख लेती है, स्नेह चाहिए। तो बाबा का इतना बेहद का स्नेह होता था, तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा स्नेह स्वरूप, ऐसा रहम दिल, ऐसा गुण मूरत, ऐसे विश्व कल्याण की भावना से सदा संपन्न हम बच्चों को बाप समान बनना है। लेकिन वो कब होगा, जब हम बाबा के चरित्र को, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होगी, आज हमें उसको धारण करना होगा। और धारण करने की विधि क्या है, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा के स्वरूप को जितना हम देखेंगे, बाबा के गुणों को, चरित्र को जितना बुद्धि में लाएंगे, तो वो चरित्र हमारे चरित्र बने, है ना। तो बाबा हमें ये विधि सिखाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे संकल्प नहीं करते, जैसे अभी भी बैठे हो तो संकल्प तो कर ही रहे हो ना कि आज से ऐसे करेंगे, है ना, बाबा के विषय में समझकर, चरित्रों को है ना बुद्धि में रख कर, और अपने स्वरूप ऐसा बनाएंगे। तो सभी रखते हैं बाबा के लिए, लक्ष्य भी रखते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, संकल्प भी करते हैं, उत्साह भी रखते हैं और लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन बाबा कहते कहाँ कमी आती, दृढ़ता में, है ना। और दृढ़ता की बाबा ने आज परिभाषा दी कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा ये संकल्प ढीला या हल्का ना हो, कोई भी बात आ जाए मुझे इस पर अचल अडोल रहना है। क्योंकि कई बार हम संकल्प करते हैं और हम माया को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया कि जैसे ही आप श्रेष्ठ संकल्प करेंगे माया सुन लेती है ना, फिर माया बोलती है चल कर ना, फिर माया बीच में बातें लाती है ना। आप सोचेंगे कि आज 8 घंटा याद में रहेंगे तभी फोन आएगा, आज हम लंच पे आ रहे हैं, ठीक है ना, उसी दिन 5 दिन से काम नहीं था बिजनेस में, उसी दिन सारे ऑर्डर आ जाएंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारा माया करती है, क्योंकि जैसे आप संकल्प बाबा को देते हो ना माया सुन लेती है। फिर बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हें संकल्प में क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए।
फील करते हो ना, संकल्प करते हैं फिर वो ढीला हो जाता है। लेकिन संकल्प से सृष्टि रचने वाले अगर ऐसे कहें कि संकल्प करते हो ढीला हो जाता है तो कैसे चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता कैसे आती है? दृढ़ता कैसे आती है? कैसे आती है दृढ़ता? डिसिप्लिन। कौन सा डिसिप्लिन? योग से। और हाँ, अनुभव से और प्यार से दृढ़ता आती है। बार बार रिवाइज करने से। बाबा कहते हैं संकल्प को स्मृति का पानी डालेंगे ना, जैसे बीज बोते हैं तो पानी डालते हैं तो उसकी जड़ें पकड़ती हैं, ऐसे संकल्प की जड़ें मजबूत होती हैं जब स्मृति का पानी डालते हैं। बार बार उसको अपने को याद दिलाना पड़ता है, मेरा ये संकल्प है, मुझे ये बनना है। जैसे आपने संकल्प को छोड़ दिया, स्मृति में क्या रखा? बात को। तो बात को शक्ति मिली तो बात बड़ी हो गई। लेकिन अगर आप अपने संकल्प को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो संकल्प पक्का हो ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हमें दृढ़ता लानी है, और दृढ़ता ऐसी लानी है कि ये भी समझना है कि कितने प्रकार की बातें आ सकती हैं। जिन बातों के आप अनुभवी हैं कि ये बातें होती हैं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है कि हम उन बातों पे सरप्राइज होते हैं जो हमेशा होती हैं। आपने जब भी संकल्प किया विघ्न आया, ठीक है, अब वही विघ्न बार बार आता है और हर बार आपका संकल्प उसी विघ्न से ढीला हो जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक विघ्न जब संकल्प करने से आता है तो नेक्स्ट टाइम आप इतने भी रेडी नहीं है मेंटली कि ये विघ्न आएगा तो भी करूँगा। तो माया को भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि वो एक ही अपना अस्त्र चलाती है और बार बार आप घायल हो रहे हैं, अच्छे योद्धा बन ही नहीं रहे। अब माया भी, बाबा कहते हैं माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। बच्चों के जीवन में तो 20 साल से एक ही रूप में माया आ रही है, उसी पर जीत नहीं पा रहे। तो माया भी भिन्न, माया को भी थोड़ी मेहनत कराओ माया को रूप बदलना भी नहीं पड़ रहा, हर बार वही गेस्ट आ गए, हर बार वही गेस्ट आ गए, हर बार वही फोन आ गया, हर बार वही बात आ गई, हर बार वही युगल विघ्न डाल रहे। अरे 20 साल से विघ्न डाल रहे हैं, अभी तक आपको समझ नहीं आया? ये डालते रहेंगे विघ्न, आप अपना काम करो। देखो एक माता ने मुझे कहा, जब भी निकलती हूँ तब युगल रोक देते। मैंने कहा कितनी बार निकले? बोली कई बार हो गया दीदी। मैंने कहा फिर रुके ना, युगल ने आप निकले वो रोके, फिर आप रुक गए, फिर क्या हुआ? वो रुके नहीं रुके, तो आप निकलो ना। हर बार आप निकल रहे हो, वो रोक रहे हैं, आप रुक रहे हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है? वो तो रुक ही नहीं रहे। तो आपको समझ नहीं है ये उनका पैटर्न है, आपके रुकने नहीं रुकने से कुछ नहीं होगा तो आप अपना काम करो ना। इतना रुक के आपने क्या कर लिया? बदल गए वो, उनके अंदर ग्रैटिट्यूड आ गया कि नहीं मेरी युगल तो मेरा बहुत बात मानती, पाँव छूने लगे हैं आपके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्होंने कहा फिर आप किस लिए रुके पड़े हो? उनको तो वही रहना है जहाँ वो है, आगे तो आपको बढ़ना है, आप क्यों उनके लिए रुके पड़े हो? तो माया जो है, माया तो आती रहेगी, माया आती रहेगी, माया
अपना जाल बिछाती रहेगी, आपको उसके आगे जाना है। तो बाबा कहते हैं जब संकल्प करते हैं तो दृढ़ता लाओ कि कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूँगा। अगर ये कुछ भी हो जाए नहीं होगा ना, तो कुछ होगा और आप रुक जाएंगे। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बदलेगा। इसी प्रकार से ये माया के अलग अलग बातें आती रहेंगी, घृणा, अपमान, निंदा, ग्लानी, दुख देना, समस्या का रूप बनना, ये सारी बातें आती रहेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्वमान में रहना है। स्वमान क्या होता है? स्वमान होती मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है ना। देहाभिमान माना वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, परिस्थिति क्या है, ये देहाभिमान। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान में आपके अंदर की कॉन्वर्सेशन क्या बन जाती, बात बड़ी है, वो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। और स्वमान में आपके कॉन्वर्सेशन होते हैं मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो आप सदा स्वमान में रहो, कुछ भी हो जाओ ये मत देखो वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। बाबा कहते हैं कि अगर आप बातों को देखने लगे ना, तो माया को पता चल जाएगा कि आप उसे देख रहे हैं, तो बहुत विचित्र विचित्र रूप लेकर आएगी। ऐसी बातें जो मन चित्त में भी नहीं थी वो भी होंगी। अगर आप रुकने वालों में से हो ना, तो रोकने के लिए 200 नाखूनों का जोर माया लगा दे। आपको देखना ही नहीं, कितनी बड़ी बात है उससे आपका कोई मतलब नहीं। वो क्या है? माया है। माया कैसी है, क्या है, उसमें हमें जाना ही नहीं। मुझे देखना ही नहीं, मुझे ये देखना है मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना, मेरा लक्ष्य बाप समान बनने का, मुझे वो देखना। बात को देखने वाला तो छोटी बात में भी रुक जाएगा, और बाप को देखने वाला कोई भी बात को पार कर जाएगा। और बातें बहुत आएंगी, जितने आप पुरुषार्थी बनेंगे उतनी बातें आएंगी। जैसे मैंने आपको माता का बताया ना, अब 25 वर्ष चली तो कितनी बातें पार की होंगी, लेकिन एक बात को देख लिया तो रुक गई। लेकिन अगर ये देखेंगे मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, तो है ना, अपना पुरुषार्थ क्यों रुकेगा। वो तो एक बात है, उस बात के लिए जो करना है वो करेंगे, बाकी पुरुषार्थ क्यों रुकना चाहिए। और बात को बाप से नहीं जोड़ो कभी। भक्ति ने माया को इतना स्ट्रॉन्ग भक्ति ने कर दिया कि बात को बाप से जोड़ देते हैं, कि बाबा बैठा है तो बात कैसे आ गई, तो फिर बाप दिखता ही नहीं, सिर्फ बात दिखती है और रुक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस आधार से हमें माया जीत बनना है, और माया जीत बनने के लिए अपने स्वमान में रहो और अन्य को सम्मान दो। इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करता है नहीं करता है। दुनिया में ये एक उल्टी मत है कि सम्मान देने वाले, सम्मान का पात्र वो है या नहीं, ये देखो, नहीं। आप जैसे हैं आप वो दो, आपको बाबा ने जो दिया वो आप दो ना। आप क्यों देखते हो वो क्या पात्र है, कुपात्र है, क्या है, आपको क्या करना है। आपके अंदर स्वमान है, आप सबको सम्मान दो। आपकी जो भाषा है वो आप बोलो, आपकी जो वृत्ति है वो आप रखो। आप क्यों अपनी डिग्निटी से नीचे आते हो, किसी को दुर्भावना देना, किसी को उल्टे बोल बोलना, ऐसा हमें क्यों करना। वो जो 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 व्यक्ति जो चाहे वो करे
है ना, वो उसके संस्कार, उसके कर्म, उसका भाग्य, उससे मुझे क्या लेना देना। तो बाबा कहते तुम स्वमान में रहो, तुम सम्मान दो, तो तुम्हारा खाता कभी खाली नहीं होगा, है ना। और बाबा कहते इसका तुम्हें पक्का दृढ़ निश्चय करना कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे हर एक को सम्मान देना। और बाबा कहते उल्टे रूप का दृढ़ निश्चय नहीं करना जो क्रोध कराता है ना। मैंने देखा कई बार, मैंने ब्राह्मण परिवार में देखा, जो बच्चे बाबा के ज्ञान में चलते है ना, बहुत ढीले चलते थे, जैसे कभी मुरली एब्सेंट हो रही है, कभी अमृत वेला छूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बाकी पुरुषार्थ में भी ढीले डाले, लेकिन जब उनको माया का वार हुआ तो बहुत जोश और उमंग में बाबा की निंदा, ईश्वरीय परिवार की निंदा करने में जैसे वो जुटे, तो हमें लगा इतना जोश और उमंग इनका था कहाँ, पुरुषार्थ में तो कभी दिखा नहीं, इन बातों में ये इतने जोश और उमंग वाले कैसे हो गए, है ना। जिसने कभी 5 फोन किसी को बाबा का परिचय देने के लिए नहीं घुमाए थे, उसने निंदा करने के लिए 500 फोन घुमा दिए। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि माया तो बहुत पावरफुल है, चलते फिरते बाप का परिचय नहीं देते थे, लेकिन चलते फिरते मौका देखते ही निंदा करना शुरू करते, 2 सेकंड नहीं लगते, बाप के परिचय के लिए कहेंगे, मुहूर्त निकलेगा तब देंगे, लेकिन किसी की निंदा करनी हो तो ऐसे चुपके से कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं ये जो क्रोध तुमसे जो है ना दृढ़ निश्चय करा रहा है ना, उसको छोड़ो, इसको दिखाएंगे, इससे बदला लेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, है ना, इसका इसको तो हम बदनाम करके छोड़ेंगे, ये वाली जो क्रोध की भाषा है ना, बाबा कहते ऊपर से भले ही ना बाबा बाबा ओम शांति भी करेंगे, लेकिन अंदर ये जो क्रोध की लहर चलती है, जो ये कर्म कराती है, उससे छूटो। दृढ़ निश्चय करना है तो इस बात का करो ना कि हम बाप समान बनेंगे। आप देखना कोई ऐसी ग्लानि की बात होगी ना, सारा सारा ब्राह्मण परिवार मिलके सबको मैसेज भेजना शुरू कर दे, इतने मैसेज तुम भेज सकते हो तो आज तक बाप की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हुई। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं उल्टा दृढ़ निश्चय नहीं करना, दृढ़ता जिस बात में लानी चाहिए उसमें लाओ, नुकसान कर देंगे उसका, उसको है ना, उसका अपमान, उसकी निंदा, उसका ये, इस चीज़ में दृढ़ता नहीं लाओ। ठीक है, ओम शांति।